जिसके दस्तावेज और अन्य पहलुओं पर टीम जांच कर रही है और आज सुबह भी ईओडब्ल्यू की टीम ने संतोष पाल की कई संपत्ति की छानबीन शुरू की। आज टीम को 16 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के जेवर मिले हैं। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को प्राप्त शिकायत का सत्यापन निरीक्षक स्वर्णजीत सिंह धामी से कराया गया था। एआरटीओ संतोष पाल की शताब्दीपुरम में स्थित 10,000 वर्ग फुट में बने आलिशान घर को देखकर ईओडब्ल्यू की टीम हैरान रह गई। बेसमेंट वाली 3 मंजिला घर में सारा सामान लग्जरी था। घर में लिफ्ट से लेकर महंगी शराब रखने की लकड़ी का केस, गार्डन, स्विमिंग पूल, झूमर सहित बेहद कीमती सामान से आलिशान घर बनाया गया, जिसको देखकर ईओडब्ल्यू की टीम चकाचौंध हो गई थी। वही आज एआरटीओ के बैंक लॉकर, बैंक खातों के बारे में भी खुलासा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक एआरटीओ संतोष पाल को घर में पड़ने वाले छापे की भनक लग चुकी थी, जिससे आरटीओ के द्वारा कुछ लग्जरी सामान को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था और इसी कारण ईओडब्ल्यू की 30 सदस्यों टीम को देर रात छापामार कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि कौन सा सामान कहां भेजा गया है इसकी जानकारी भी ईओडब्ल्यू की टीम खंगालने में जुट गई है। राजधानी लाइफ पहले भी इस संबंध में आवाज उठा चुका है और वायरल वीडियो जिसमें एआरटीओ साहब गांजा रखवा कर फंसाने की बात करते नजर आए थे, जिसे सामने लाया जा चुका है। खैर देर से ही सही शासन प्रशासन की नजरों के सामने मात्र अफसर के काले कारनामे तो आए।